हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ECS T10 साइप्रस 2024 की जो सीरीज चल रही है, इसके 32वें मैच और आज के पहले मैच के बारे में। यह मैच खेला जाएगा तेलुगु 11 वर्सेस अल फ्रेंच के बीच, मैच खेला जाएगा अल फतेह के बीच, ठीक है। मैच की टाइमिंग है 10:30 बजे स्टार्ट होएगा इंडियन टाइमिंग के अनुसार। डेट 7 जून 2024 आज की है। वेदर की बात करें तो वेदर क्लियर है, बारिश के कोई भी चांस नहीं है। वेन्यू देखें तो यपन सोन्स क्रिकेट ग्राउंड लीमासोल में मैच खेले जा रहा है, तो आज का इसी वेन्यू पर है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक आर्टिफिशियल पिच है जिसके बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं होता है, सेम रहती है बैटर और बॉलर के लिए। एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर 150 से लेकर 160 का बनता है। और वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो 19 मैच इस वेन्यू पर हो चुके हैं, जिसमें से 12 मैच जीते हैं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने और 19 मैच जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, यानी इस वेन्यू पर बैटिंग फर्स्ट वाली को एडवांटेज है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें ताकि आपको दोनों टीमों के बारे में सही से जानकारी हो जाए। दोनों टीम में नई टीम है और दोनों के ही पहले पहले मैच है, तो वीडियो को आप पूरा देखोगे तो ही आपको दोनों टीमों के प्लेयरों के बारे में सही से जानकारी होगी, ठीक है। पहले बात करते हैं अपन पहली टीम अल फतेह की, जिसका पहला प्लेयर है वकास अख्तर, जिसने T10 के 67 मैच में 1310 रन बनाए 27 की एवरेज से, 104 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 55 विकेट लिए, यानी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ज़बरदस्त कंट्रीब्यूट करता है और इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सिलेक्शन की बात करें सिलेक्शन 97% और कैप्टन वाइस कैप्टनसी का एक ज़बरदस्त ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद है अबू बकर सादिक, जिसने 22 T10 के मैच में 391 रन बनाए 23 की एवरेज से, 7 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 6 विकेट लिए, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको इसको भी इग्नोर नहीं करना है। सिलेक्शन की बात करें सिलेक्शन 96% और एक अच्छा प्लेयर साबित होएगा, ठीक है। 7 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 6 विकेट भी लिए, तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आवेश सुलारी, जिसने T10 के 22 मैच में 172 रन बनाए 15 की शानदार एवरेज से, साथ ही 42 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 22 विकेट लिए, यानी आपको बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करेगा, साथ ही आपको कंप्लीट 2 ओवरों की गेंदबाजी देगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और सिलेक्शन की बात करें सिलेक्शन भी 89% है, बढ़िया स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है। इसके बाद है उमर फारूक, जिसने 51 T10 के मैच में 103 रन बनाए 13 की एवरेज से, 73 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 24 विकेट लिए, यानी बैटिंग और बॉलिंग दोनों ठीक ठाक कर सकता है, इसलिए आप इसको ट्राई कर सकते हो। लेकिन इसका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा लेट रहता है, इसलिए अगर आप चाहो तो इसको ट्राई करना वरना रिमूव कर देना। सिलेक्शन की बात करें सिलेक्शन 76% है, ठीक है। उसके बाद है मोहम्मद ताजमल, जिसने 17 मैच में 18 की एवरेज से 53 रन बनाए T10 में, 24 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 9 विकेट लिए, तो खेलता है तो आपको 2 ओवरों की गेंदबाजी कंफर्म करा के देगा और इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन विकेट थोड़े कम मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद है रसीब शेर, जिसने 17 T10 के मैच में 86 रन बनाए लगभग 10 की एवरेज से, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। और इसका सिलेक्शन की बात करें रसीब शेर का, तो सिलेक्शन अपने को देखने को मिलेगा मात्र 3%, ठीक है। इसके बाद है आसिफ महमूद, जिसने T10 के 10 मैच में 19 की एवरेज से 94 रन बनाए, साथ ही 17 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 10 विकेट लिए, यानी आपको 2 ओवरों की कंपलसरी गेंदबाजी देगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और सिलेक्शन की बात करें आसिफ महमूद की, तो आसिफ महमूद का सिलेक्शन देखने को मिलेगा 90% और एक बढ़िया प्लेयर है T10 का, ठीक है। उसके बाद है तासवर हुसैन, जिसने 21 मैच में 50 रन बनाए 17 की एवरेज से, 30 ओवर की गेंदबाजी 18 विकेट, यानी बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकता है और साथ ही आपको बॉलिंग भी करवा के देगा, लगभग 1 से 2 ओवरों की बॉलिंग करवा सकता है, इसलिए आप इसको ट्राई कर सकते हो। उसके बाद है मुदासर अली, जिसने T20 के मैच खेले T10 नहीं खेले अपने क्लब के लिए, 4 T20 के मैच में 27 रन बनाए 11 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 6 विकेट लिए, खेलता है तो आपको गेंदबाजी करवा के दे सकता है, ठीक है। और सिलेक्शन की बात करें एम अली का, तो एम अली का सिलेक्शन देखने को मिलेगा मात्र 3%, ठीक है। इसके बाद है मोहम्मद आसिफ, जिसने ODI के कल मैच खेले, जिसमें 2 मैच में 12 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 0 विकेट लिए। इसके बाद है वकास अजीज, जिसने T20 के 10 मैच में 56 रन बनाए 6 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 0 विकेट लिए। उसके बाद है फाद महमूद, जिसने अपने क्लब के लिए T20 के 18 मैच खेले हैं, जिसमें 39 की शानदार एवरेज से 701 रन बनाए, यानी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके आ रहा है, इसलिए आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्शन की बात करें 3% इसका सिलेक्शन है, रिकॉर्ड बहुत शानदार है। उसके बाद है आकिब शाह, जिसने अपने क्लब के लिए खाली टेस्ट मैच खेले, यानी फर्स्ट क्लास का मैच खेला है और 2-2 इनिंग के मैच होते हैं वो, उसमें 14 मैच में इसने 565 रन बनाए लगभग 26 की एवरेज से, तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अगर बैटिंग पोजीशन में नाम इसका ऊपर आएगा तो अपन इसको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद है मोहम्मद निजाम, जिसने एक मैच खेला है T20 का, 18 रन बनाया 2 ओवरों की गेंदबाजी करी 0 विकेट लिए। उसके बाद है फैजान अली, जिसने एक मैच खेला 1 रन बनाया 1 ओवर की गेंदबाजी करी 0 विकेट लिए। उसके बाद है बाकी के 2 प्लेयर, इनके रिकॉर्ड कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ये अपने क्लब के लिए भी क्रिकेट नहीं खेले हैं, ठीक है, लेकिन हम अभी भी ढूंढ रहे हैं, जैसे ही मिलते हैं हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे। बात करते हैं दूसरी टीम तेलुगु 11 की, ठीक है, जिसका पहला प्लेयर है विमल कांदोरी, ठीक है। इसकी भी टीम भी अपन सेलेक्ट कर ले तो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, सिलेक्शन की बात करें विमल कांदोरी का, तो सिलेक्शन 97% और रिकॉर्ड की बात करते हैं तो 64 मैच में 19 की एवरेज से 867 रन बनाए 105 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 38 विकेट लिए, यानी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है और एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, इसलिए आपको इसको इग्नोर नहीं करना है।
उसके बाद है हितेश थंदानी, जिसने 56 मैच में 336 रन बनाए, 10 की एवरेज से 88 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 44 विकेट लिए, यानी बॉलिंग और बैटिंग दोनों से बढ़िया कंट्रीब्यूट कर सकता है। सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन इसका देखने को मिलेगा अपने को मात्र 90% सिलेक्शन हाई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है राहुल शुक्ला, जिसका आप सिलेक्शन देखोगे तो सिलेक्शन लगभग इसका राहुल शुक्ला का 96% है, लेकिन परफॉर्मेंस आप देखोगे तो 40 T10 के मैच में मात्र 19 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 5 विकेट लिया, यानी रिकॉर्ड बहुत ख़राब है इसका, और सिलेक्शन आप देखोगे 96%, ठीक है। उसके बाद है चरण निलोरी, जिसने 24 मैच में 35 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 11 विकेट लिए। उसके बाद है प्रिंस राय, T10 के 22 मैच में 40 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 16 विकेट लिए, यानी खेलता है तो आपको 2 ओवरों की कंपलसरी गेंदबाजी देगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और सिलेक्शन भी देखोगे मात्र 1% है, ठीक है। उसके बाद है हैरिस काकिता, जिसने 7 मैच में 11 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 3 विकेट लिए, यानी हर मैच में आपको 2 ओवरों की गेंदबाजी दे सकता है। उसके बाद है चेतस सा, जिसने 25 T20 के मैच में कल अपने लिए 371 रन बनाए, 17 की एवरेज, तो एक बढ़िया प्लेयर और अच्छी बैटिंग कर सकता है, साथ ही आपको विकेट कीपिंग के पॉइंट भी देगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और सिलेक्शन की बात करें 16% है, रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। उसके बाद है सुबा रेड्डी आलविया, जिसने 9 T10 के मैच में 23 रन बनाए, 3 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 3 विकेट लिए, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। उसके बाद है वेंकटा रेड्डी एमानी, जिसने एक ही मैच खेला है T10 का, जिसमें उसने 11 रन बनाए थे। इसके बाद है रेड्डी चिलकुरी, जिसने एक T10 का मैच खेला, 0 रन बनाए। इसके बाद है शिवा पाटी, जिसने एक मैच खेला, 11 रन बनाए, 2 ओवरों की गेंदबाजी करी, 0 विकेट लिया, यानी बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करा था थोड़ा बहुत, साथ ही 2 ओवरों की गेंदबाजी दी थी, इसलिए आप इसको ट्राई कर सकते हो। सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन 91% है। उसके बाद है अशोक विमपाती, जिसने एक ODI का मैच खेला, जिसमें 16 रन बनाए, एक ओवर की गेंद एक विकेट लिया है, ठीक है। उसके बाद है गोपी कृष्णा, जिसने 3 डोमेस्टिक के मैच में 2 रन बनाए, एक ओवर की एक विकेट लिया है, ठीक है। उसके बाद है संतोष मंडा, जिसने 7 T10 के मैच खेले हैं, लेकिन अभी तक इसको बैटिंग बॉलिंग का मौका नहीं मिला, इसलिए अपन इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद है अशोक सुधा रेड्डी सुधीर रेड्डी, जिसने 4 डोमेस्टिक के मैच में 9 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 1 विकेट लिया। इसके बाद शिवा प्रसाद, 2 डोमेस्टिक के मैच में 6 रन बनाए, 2 ओवरों की गेंदबाजी करी, 2 विकेट लिए। उसके बाद है महेंद्र रेड्डी, जिसने T10 का मैच नहीं खेला। इसके बाद है गोपाल रेड्डी, इसका भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, और लास्ट प्लेयर है अब्बास काजी। इन 3 प्लेयरों का रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको चार्ट बनाने में टाइम लगा, इसीलिए सपोर्ट करना थोड़ा बहुत चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर करना, और सभी जो भी हम प्लेयरों के स्टेट्स बताए वो बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है। तो आप भरोसा करके वीडियो देख के और प्लेयरों को सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी स्टेट्स है सभी जेन्युइन है, T10 के आप ECIN की वेबसाइट पर जाके देख सकते हो, और बाकी जो हमने रिकॉर्ड लिखे हैं उनके क्लब की वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हो, ठीक है। बात करते हैं टीम की, जो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर थे दोनों टीमों से अपन ने सेलेक्ट कर लिए, एक फिलहाल एक प्लेयर बच रहा है, तो उसके लिए अपन इसको उमर फारूक को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी का सिलेक्शन हाई है, ठीक है। और वैसे भी यह खाली डेमो टीम है, फाइनल टीम तो बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग 11 के मुताबिक बनेगी। कैप्टनसी की बात करें तो वकास अख्तर कैप्टनसी का एक बहुत बढ़िया चॉइस है, और वाइस कैप्टन यहाँ से अपन हामिद सुलारी को बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक अच्छा प्लेयर है और बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करेगा, और जो AFT की टीम है थोड़ी मजबूत नजर आ रही है, इसलिए अपन कैप्टन वाइस कैप्टन इसी टीम के बनाएंगे, ठीक है। या डेमो टीम आप सेव कर लो, डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जो डिपेंड करती है बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग 11 टॉस अपडेट सभी के मुताबिक टीम बनती है, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इस टूर्नामेंट से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाए। हम टूर्नामेंट को पूरी तरह से कवर करते हैं, दिन के 5 मैच होते हैं तो हम 5ों के वीडियो डालते हैं, ताकि आपको किसी भी मैच में टीम बनाने में दिक्कत ना आवे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा देना, ताकि हमारे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और इस मैच से रिलेटेड सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और हमारी फाइनल टीम भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।